I think the court's judgment has to be respected. And I'm glad that the court has pronounced unambiguously that all this the massive propaganda which was being done against the UPA was without any foundation. बैंकिंग सेक्टर को नुकसान हुआ, व्यवस्था को नुकसान हुआ, एनपीएस बढ़ गए इसी वजह से, क्योंकि लोगों के लाइसेंस कैंसिल हो गए, वो पैसा जो उन्होंने उधार लिया था बैंक के साथ लोन पे लिया था वो वापस नहीं कर पाए, तो आर्थिक स्थिति में मंदी आई। अब डिमोनेटाइजेशन की वजह से 2% जीडीपी का नुकसान हुआ ना, 2% मतलब 3 लाख करोड़ से ज्यादा, वो तो एक्चुअल लॉस है ना, वो तो प्रिजम्प्टिव लॉस नहीं है ना। इन्वॉल्विंग द हाईएस्ट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट वाज नेवर ट्रू, was not correct, and that has been established today.